प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, आज इस सुंदर से सुबह के लिए पिता आपने हमें चुना है, आपने हमें ताकत दी, आपने हमें बुद्धि ज्ञान सब कुछ दिया पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रार्थना को आप लास्ट तक सुनना, ताकि प्रभु आपके जीवन में आपको काम दे सके, आपके हर एक कामों को अच्छा कर सके, आपके जीवन में हर एक अच्छा काम हो। पिता, इस मसीह के नाम से इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें संभाला, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, आपने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरी चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं पिता कि आपने हमें संभाला है और हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले पिता आप हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास रखना, आज आपके जीवन की हर एक बीमारी, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की मुसीबत, हर एक प्रकार के बिजनेस, हर प्रकार के काम, शादी, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम दुआ करेंगे। चाहे वो बीमारी से लेकर के हो, आपके सिर में दर्द हो, चाहे पैरों में दर्द हो, चाहे आपको उलझन होती हो, घबराहट होती हो, आपको चिंता होती है, सभी के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आपसे फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना, ताकि आप प्रभु की आशीष पा सकें, अपने जीवन में प्रभु को आने दीजिए, विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आय से आपके हर एक कामों में, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कोई भी हो, अगर आपके घर में आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आज इस प्रार्थना को सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं, पहले हम वचन की ओर चलते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, लिखा है भजन संहिता अध्याय 57 में, यहाँ पे दाऊद हमें समझाते और किस तरीके कहते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। हमें ये परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास रखना, पहले मैं वचन ही बताता हूँ, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तुरंत सुने और तुरंत जवाब दे। जितने मसीह भाई बहनों का, बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता हमारे पास, बहुत सारी गवाहियाँ आती हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारे लिए प्रार्थना करिए, और बहुत सारे मसीह भाई बहनों का ऐसे भी कमेंट आता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, कब मेरी प्रार्थना को जवाब देगा, मैं इतने दिन से प्रार्थना करता हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ। अगर जीवन में अभी कोई रास्ता आपको नहीं मिलता है, तो विश्वास रखना, आज हर प्रकार के बंधन टूटेंगे, हर प्रकार की आपके जीवन की हर एक घटनाओं को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु आपके जीवन में काम कर सके, आपको बहुतायत से, आपको आशीष से, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। विश्वास रखना, विश्वास रखना, भरोसा रख के और धैर्य रख के। और जितने मसीह भाई बहनों का अगर मन नहीं करता है प्रार्थना करने के लिए, तो प्लीज मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रार्थना को अभी रोक दें, अभी रोक दें। अगर आपका मन नहीं है, अगर पूरा अपना 100% देंगे, तो आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करेगा, आपके हर एक चीजों में, हर एक घटी और कमी परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, दाऊद हमें समझाते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने मसीह भाई बहन इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन में आज उनको आशीष दे, उनको आशीष दे, उनके हर एक बिजनेस में, हर एक कामों में, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार की निर्बलताओं में, हर प्रकार की समस्या में, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, पैसे की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुकी है, इस मसीह के नाम से जॉब नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, पिता उन पर अनुग्रह कर मेरे पवित्र परमेश्वर। आज इन पे द्वारा पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा इनको अभिषेक कर मेरे खुदा मसीह के नाम से। भरोसा रखना, भरोसा रखना, डरना नहीं है, हमें प्रार्थना करना है, हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। आज जितने मसीह भाई बहन रो रहे हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन में परमेश्वर खुशियां लाने जा रहा है, उनके जीवन को परमेश्वर संभालने जा रहा है। आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अपने मुंह को बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, मेरे जीवन में ये घटी है पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में ये कमी है पिता परमेश्वर, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, आपके वचन को सीखना चाहता हूँ पिता, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता। आपको बोलना है, जब तक मैं प्रार्थना करता हूँ तब तक आपको बोलना है, चाहे मैं वचन पढ़ रहा हूँ, चाहे फिर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको बोलना है, बोलना है, अपने मुंह को खोलना है। जब तक अपने मुंह को नहीं खोलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके अंदर वास नहीं करेगा, तब तक परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। आपको धन्यवाद करना है, आपको धन्यवाद करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है,
दाऊद हमें कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा है वो स्वर्ग स्थान हमारा गढ़ है, वही हमारा परमेश्वर है। उसने कहा है जो परम प्रधान के छावी स्थान में बैठा है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज विश्वास रखिए कि आप परम प्रधान के छावी स्थान में बैठे हैं, क्योंकि परम प्रधान जो होता है हमारा वो सर्वशक्तिमान होता है, वो धरती और पृथ्वी का रचयिता होता है, वो सब कुछ बनाने वाला है। आदमी इंसान को जो भी कुछ इस संसार में इस पृथ्वी पर जो भी कुछ उपलब्ध है आज उसी के हाथों से बनाई हुई सब चीजें हैं। विश्वास रखना, भरोसा रखना, जो आप बोल पा रहे हैं उसी की देन है, उसी परमेश्वर की देन है। जो आप सांसें ले पा रहे हैं वो परमेश्वर की देन है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अगर एक सेकंड के लिए आपकी सांसें रोक दें तो आप इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे, इस संसार में नहीं रहेंगे। इस बात को याद रखना, भरोसा रखना कि सच्चा खुदा है, तभी वो हमें श्वास देता है, जीवन देता, हमें संभालता, हमें ज्ञान देता, बुद्धि देता, ताकत देता, सब कुछ देता। आज आपकी बेटी के जीवन में आशीष होगी, आपकी बेटियों के जीवन में आपकी आशीष होगी। अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं तो चिंता नहीं करना, विश्वास करना, भरोसा रखना। अपने अच्छे को, अपने बच्चे को एक अच्छा रास्ता देना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है अपने बालक उसी मार्ग से इच्छा दो जिसमें उसको चलना है, उसको सीखना है, उसको बताना है। आज परमेश्वर आपके घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहन को, आपको सगे संबंधी जितने लोग हैं उन पे आशीष होगी, उन पर परमेश्वर आशीष करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, दाऊद यहाँ पे हमें समझाते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है मेरा स्वर्ग स्थान मेरा गढ़ है, क्योंकि जब मेरे अंदर मेरे पास मेरे परिवार में घर में विपत्तियां आती हैं तो वही निकालता है, वही निकालता है। इस बात को याद रखना, जब हमारे पास विपत्तियां आती है तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन के हर एक समझ को, हर एक बुद्धि को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रार्थना हमारी सुनता है, हमें जवाब देता है, छुटकारे के लिए प्रार्थना है। विश्वास रखना, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, आपको चिंता नहीं करना है। मैं इतना क्यों आपको यकीन दिलाता हूँ, क्यों आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि आपको विश्वास आपका टूटना नहीं चाहिए एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए। कितनी भी दुख क्यों ना आपके जीवन में, कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए, आप भूखे हैं, आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपके घर में खाने के लिए नहीं है, पीने के नहीं है, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तब तक मैं तेरे पंखों के शरण में स्थान लिए रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब मेरे जीवन विपत्तियां आती हैं तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा होता है, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आज विश्वास रखना, हमें परम परमेश्वर को पुकारना है, उसे बुलाना है, उसे प्रार्थना के द्वारा याद करना है, उससे प्रार्थना करना है, विनती करना है, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दे, हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर स्वर्ग से भेज करके मुझे बचाएगा, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके वो मुझे बचा लेगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा सच्चा खुदा मेरे साथ है। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, जब प्रभु यीशु मसीह के 40 दिन वो जंगल में रहे बिना कुछ खाए पिए, तब वहाँ पे स्वर्गदूतों को भेजा है। आज विश्वास रखना, जब प्रभु यीशु मसीह को बचाने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे सकता है कि जा उसके देख रेख कर, उसकी रक्षा कर, उसको खाना पीना जो भी उसको चाहिए उसको दे, आकर के स्वर्गदूत उसकी रक्षा कर दें, तो आज आपके जीवन में स्वर्गदूत आकर के आपको आशीषित करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे, आपके हर एक बिगड़े काम को परमेश्वर बनाने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। विश्वास के द्वारा, विश्वास रखिए कि स्वर्गदूत हैं, उसको परमेश्वर है आज हमारे साथ उपलब्ध है। आज जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का स्वर्गदूत और परमेश्वर यहाँ पे उपलब्ध हैं। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर इस मॉर्निंग के टाइम। पिता परमेश्वर हम अपने दिल को खोल करके प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय में पिता परमेश्वर विश्वास को रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने दिल में पिता परमेश्वर हम आपके लिए प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्यार करते हैं पिता। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से, धन्य मेरे खुदा ने इस मसीह के नाम से। आज हमें अभिषेक करेंगे पवित्र आत्मा के, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब मेरा निगलने वाला परमेश्वर कहता है निंदा करता है, अगर मेरे अंदर शैतान आता है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में शैतान जब एंट्री करता है उसको परमेश्वर निकालेगा, उसको भगाएगा। विश्वास रखिएगा, भरोसा रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है परमेश्वर अपने करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा, आज तुम पर प्रकट करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है। अगर हम विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर हमें सहायता देगा, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की तकलीफों से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के
परमेश्वर हम पर अनुग्रह करवे, हम पर दया करेगा, हम पर दया करेगा, क्योंकि वो हमारा सच्चा खुदा है, वो सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को, हर एक घटी और कमी को, जो आप इस समय परेशान हैं, हताश हैं, निराश हो चुके हैं, मुझे प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन आपको प्रार्थना करना है, लेकिन आपको प्रार्थना करना है, विश्वास रखना, लेकिन आज आपको प्रार्थना करना है, आप ही को करना है। मैं आपसे कहता हूँ, आपका मन जो इस समय हट रहा है, आपका जो मन हट रहा है, इस समय प्रार्थना आपको करना है। आपसे मैं कहता हूँ, इस समय देख रहा हूँ कितनी मसीह भाई बहन इस समय अपने मन में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वास रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर आपके साथ है। आपका मन टूट चुका है, आप परेशान हो चुके हैं, आप जो चाहते वो नहीं होता ना, आपके आज के बाद परमेश्वर आपकी जीवन की जरूरतों को पूरा करेगा। आज के बाद परमेश्वर आपके जीवन को, आप पीछे मत हटिए, मत डरिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, कितनी बार परमेश्वर ने कहा कि चिंता मत कर, मत डर, क्योंकि मैं तेरा सच्चा खुदा तेरे सामने खड़ा हूँ। मत डर, विश्वास रख, तेरे पास बीमारियां आएंगी, दुख आएंगी, तकलीफें आएंगी, मुसीबत आएंगी, बहुत सारी बीमारियां आएंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको विनती करना है, आपको जंग जीतना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने हथियार बांध लो, क्योंकि वो समय आ चुका है आपको जंग जीतना है, आपको एक ताकतवर बनना है, एक पावरफुल बनना है। विश्वास रखना, मेरे जितने छोटे भाई हैं, जितने मेरे बड़े भाई हैं, जितने मेरी बहनें हैं, सबके लिए मैं दुआ करता हूँ, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। इससे मेरी बहनें जो है इस समय परेशान है, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, पति और पत्नी को लेकर के, पिता परमेश्वर आज जिनके जीवन की जरूरतों को पूरा कर, परमेश्वर आप तो सच्चे खुदा है पिता परमेश्वर, धन्य मेरे खुदा मसीह के नाम से। आज विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे खुदा मसीह के नाम से। आज जितने मसीह भाई बहन इससे परेशान है पिता परमेश्वर, आज परमेश्वर उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं हर एक मनुष्य को जिस पृथ्वी पर रहते हैं उन पर करुणा करूंगा, दया करूंगा, जो मुझसे प्रार्थना करते, जो मुझसे विनती करते और मुझ पर विश्वास रखते और भरोसा रखते, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष देने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। आज जो लोग इस समय बहुत परेशान है पिता परमेश्वर, आज उनको छू पिता परमेश्वर। परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये मेरी ओर फिरेंगे, इसीलिए परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, क्योंकि परमेश्वर वचन कहते हैं, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, वो शैतान क्या कर सकता है, या फिर संसार के लोग क्या कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। आज आपको नहीं डरना है, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बहुत हैं, मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं इस समय पिता परमेश्वर, आपको डरना नहीं है। मेरे बहुत मसीह भाई बहन का कमेंट आता है, सर हमें लड़ना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें विनती करना है। आप उसी मजबूती के साथ अगर खड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को एक नया मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा। हर एक प्रकार के श्राप के बंधन टूटेंगे, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के कर्जे जाएंगे आपके, हर प्रकार की मुसीबत जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम उसके वचन की प्रशंसा करते हैं, हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। इस बात को याद रखना, भरोसा रखना। इस समय चाहे जितनी आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आप बहुत भारी और संकट और क्लेश से इस समय जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन बताए से आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर आज आप पर, आज आपके परिवार पर, आपके बेटे और बेटियों पर अनुग्रह करने जा रहा है। जितने भी मसीह भाई बहन इस समय हैं, जो बहने पिता परमेश्वर हैं, उनके जीवन को आप छू मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को रिसीव करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष दे सके। अपने आंखों को बंद रखिए, अपने आंखों को बंद रखिए, परमेश्वर आपके जीवन की जरूरतों को पूरा करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। विश्वास रखना, भरोसा रखना, हर जीवन की घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें। जितने भी मसीह भाई बहन बीमार हैं वो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखेंगे, चाहे सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, जकड़न हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, पेट में दर्द हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, वहाँ पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार भी नहीं हैं
तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष दे। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करे, हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे। इसीलिए पिता बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। इस समय विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण कर रहे पिता, इनके जीवन की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो धरती और पृथ्वी की रचयिता है पिता परमेश्वर, आपने धरती आसमान को रचा है पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ बनाया है पिता परमेश्वर। इसीलिए विश्वास करते हैं आप प्रेमी हैं पिता परमेश्वर, आप सबसे प्रेम करने वाले हैं, सबसे प्यार करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं उनसे सभी से प्यार करते हैं। इन सभी मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ रख मेरे पिता परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर, इनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर उनके जीवन विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में पिता परमेश्वर, उनके जहन में पिता परमेश्वर, उनके दिमाग में पिता परमेश्वर, इस विश्वास को बोइए कि मैं तेरा सच्चा खुदा हूँ, मैं तेरा सच्चा खुदा हूँ, मैं तेरे हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की निगेटिव सोच, हर प्रकार के शक मैं दूर करूंगा। जो पति और पत्नी के बीच में शक है यीशु मसीह के नाम से आज उसको दूर करने जा रहा पिता परमेश्वर। विश्वास रखना किसी के ऊपर हम शक करके अपने जीवन को अच्छा नहीं कर सकते। विश्वास रखना जो जिसके मन में आता है अगर वो करता है उसको परिणाम मिलेगा, उसका गलत अगर करता है तो गलत मिलेगा, अगर अच्छा करता है तो उसको अच्छा मिलेगा। इस बात को याद रखना क्योंकि कोई चीज आज तक छुपी नहीं है, ये परिषद का वचन कहता है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परिषद पूरा करने जा रही है मसीह के नाम से। उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, अपने हृदय में विश्वास को बोइए, अपने अंदर के नकारात्मक विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश हैं इस संसार में, बहुत सारे क्लेश हैं, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा दूर कर मेरे परमेश्वर, दूर कर पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उसके जीवन की जरूरतों को पिता परमेश्वर हटा दे मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी घटी और कमी पिता परमेश्वर उसको पूरा कर पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो बीमारियां आ चुकी है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, आप तो हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, आप तो हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। धन्य मेरे खुदा इस मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए इस मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ इस मसीह के नाम से। आप भी आज्ञा दीजिए इस मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए इस मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। अपने सीने पर हाथ रख करके, अपने बीमार अंगों पर हाथ रख करके कहिए कि यीशु मसीह के नाम से मैं इसी वक्त आज्ञा देता हूँ, दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस प्रकार की आपके पास बीमारी है उस बीमारी को नाम लेकर के आप डांटिए, 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 आज डांटिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो निकलेगी, निकलेगी आपकी बीमारी, आपके दुख जाएगा, आपके संकट जाएगी, आपके क्लेश जाएगा, आपकी हर प्रकार की मुसीबत जाएगी आपके जीवन से। आर्थिक समस्या है वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। उसको डांटिए, डांटिए, अपने मुँह को खोलिए, अपने मुँह को खोलिए और बोलिए यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त दूर मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को लेकर यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के बीमार अंगों को चला दी यीशु मसीह के नाम से, चला मेरे परमेश्वर, चला दी यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, वो आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है, हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मसीह के नाम से। हमें सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को जाने दे पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से, छोड़ दे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। चाहे भी किसी प्रकार की, चाहे कितनी भी चतुर आत्मा की न हो पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से, चाहे वो शैतान की आत्मा हो, चाहे शैतान हो, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर।
तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु को चला दीजिए इस मसीह के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और तमाम प्रकार के असाध्य रोग जो इस मसीह के नाम से चला दीजिए इस मसीह के नाम से। हर प्रकार के अंधकारी रोग पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर चला दीजिए, पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए पिता इस मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए पिता इस मसीह के नाम से। आज इनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, यहाँ से मुस्कुराए पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करें, आपसे विनती करें मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। आज इनकी जरूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर, ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, ये आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, ये आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास संतान नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, उसके गर्भ धारण की आशीष दे मेरे खुदावन, उसको छू मेरे परमेश्वर। अपने कोख पे हाथ रखे जिनके पास संतान नहीं पिता परमेश्वर, आज आपको प्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है इस मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर आपके लिए, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरतों को छूने जा रहा है पिता इस मसीह के नाम से। अपने पेटों पर हाथ रखें जहाँ पे दर्द इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, उसको प्लेस कर इस मसीह के नाम से, उसके जीवन की जरूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदावन, धन्य मेरे परमेश्वर, धन्य मेरे यहोवा, धन्य मेरे यहोवा, धन्य मेरे परमेश्वर यहोवा, जो सच्चा खुदा है मेरा परमेश्वर, हमें देखने वाला, हमें संभालने वाला, हमें ताकत देने वाला, हमें बुद्धि देने वाला, हमें निर्बलताओं से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं की समस्या के नाम से चला दीजिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर आज पिता परमेश्वर, आपके द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है इस मसीह के नाम से, उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियां, तमाम प्रकार की मलेरिया, हर प्रकार की सहित जो बीमारियां इस मसीह के नाम से चला दीजिए इस मसीह के नाम से। चाहे वह जुकाम हो, बुखार हो, उनसे पिता परमेश्वर दूर कर मेरे पिता परमेश्वर, उनके शरीर से पिता परमेश्वर इसी वक्त दूर कर मेरे परमेश्वर पिता। उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से उनकी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर। चाहे वो महामारी हो पिता, उनके जीवन को पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद करें। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर, जिनके भाइयों और बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर कैंसर इस मसीह के नाम से, जिनके मम्मी पापा आज किसी के जीवन में पिता परमेश्वर कैंसर इस मसीह के नाम से, आज वो जाने वाला इस मसीह के नाम से, आज वो छूने वाला है परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने वाला है, रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए प्रार्थना को, रिसीव करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष दे। पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, इससे पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, सीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है, दाग धब्बे हो चुके हैं मेरे बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर। उसकी स्किन को छू मेरे परमेश्वर। अपने स्किन पर हाथ रखिए या अपने पास एक ग्लास पानी रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना करके उस स्किन को, अपने फेस को धो लीजिए। आपको परमेश्वर आज चंगा करेगा, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके हर एक प्रकार के पिंपल्स जाएंगे मसीह के नाम से, हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम जाएगी। जो मेरे पिता परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, आज उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। आज आपको छूने जा रहा है परमेश्वर, विश्वास रखना, भरोसा रखना। जिनके पास पिता परमेश्वर स्किन प्रॉब्लम इस मसीह के नाम, पिंपल्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं पिता परमेश्वर, वो दवाई और ट्यूब लगा करके पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा दवाई करा चुके हैं पिता परमेश्वर, दवा काम नहीं करती इस मसीह के नाम से, आज उनको छू मेरे परमेश्वर। आज उनके बीमारियों को छू पिता परमेश्वर, आज उनको प्लीज कर इस मसीह के नाम से, उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से चला दे, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर। आज उनके जीवन को देख मेरे पिता परमेश्वर, आप तो सच्चे खुदा हैं पिता परमेश्वर, आप तो धरती आकाश और पृथ्वी के सृजनहार हैं पिता परमेश्वर, आपने संसार को रचा है पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ बनाया है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की गांठ चाहे इस मसीह के नाम से, जिन भाइयों जिन बहनों के जीवन पिता परमेश्वर हैं, जिन बहनों के पेट में पिता परमेश्वर गांठ इस मसीह के नाम से चाहे इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन के देख मेरे पिता परमेश्वर, आप तो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करते हैं मेरे खुदावन इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जो खून की कमी है पिता परमेश्वर, चाहे बहनों के जीवन में, भाई के जीवन में हो, चाहे किसी प्रकार के छोटे हो या बड़े हो, किसी भी एज के कोई भी हो, इस मसीह के नाम से उसके जीवन में खून की कमी है पिता परमेश्वर। उसके शरीर में डॉक्टर बोलता है नॉर्मल रिपोर्ट आएगी, आज आपके विश्वास रखना, भरोसा रखना,
आज आपकी हर प्रकार की जो रिपोर्टें हैं वो नॉर्मल आएगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। विश्वास रखना ताकि परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने चाहे। इस मसीह के नाम से जिनके पास स्किन प्रॉब्लम है, मुहासे की प्रॉब्लम है, मधुमेह की बीमारी है, ज्वार आ चुका है, चक्कर आना आता है, तो विश्वास रखना आज आपके जीवन में आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। इस मसीह के नाम से आपको आजाद करने जा रहा है परमेश्वर, आपका आपको छूने जा रहा है परमेश्वर, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। के नाम से पिता परमेश्वर छू मेरे परमेश्वर आज उसके जीवन को छू मेरे पिता परमेश्वर, आज उसको बिताए पिता परमेश्वर। जिनके पास लक हुआ पिता परमेश्वर, पैरालाइज हो चुका है पिता, इस मसीह के नाम से चाहे उनके जीवन में किसी प्रकार का भी कितना बड़ा भी क्यों ना, इस मसीह के नाम से उसको छू पिता परमेश्वर। जिस स्थान पर पैरालाइज इस मसीह के नाम से वहाँ पे हाथ रखिए और इस प्रार्थना को रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपको छोड़ा जा रहा, आपको छूने जा रहा परमेश्वर। आज आपका पैरालाइज ठीक होगा, आपका लकवा ठीक होगा, आज आपकी हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से, चाहे वो दाद हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हमारा दाद इतना पुराना हो चुका है, उसमें दर्द करता है, नहीं ठीक होता है, इतनी दवा इतना इलाज करा रहा है, नहीं ठीक होता इस मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे परमेश्वर, आज उसको प्लीज करिए इस मसीह के नाम से, प्लीज करिए इस मसीह के नाम से। उसके दर्द हर प्रकार की खुजली, सिर में दर्द, पिता परमेश्वर जिनके पास टीबी की बीमारी आ चुकी है इस मसीह के नाम से, आज वो बहुत कमजोर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनको छू मेरे परमेश्वर। जिनको नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे शाम हो पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को पिता परमेश्वर आप छुएंगे इस मसीह के नाम से, आज उनके जीवन को देखेंगे पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार की बीमारियां जाएंगे इस मसीह के नाम से। चाहे उनकी बीपी हाई होती हो, चाहे लो होती हो पिता परमेश्वर, किसी भी कारणवश पिता परमेश्वर आज उनके ब्लड प्रेशर को पिता परमेश्वर कम करे इस मसीह के नाम से, खत्म करे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, आज आपको छूने जा रहा है परमेश्वर, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है परमेश्वर आपका। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उनके ब्लड प्रेशर जो हाई होते लो होता है पिता, इस मसीह के नाम से आज उसको हटा मेरे पिता परमेश्वर, आज उसको छोड़ पिता परमेश्वर, आज उसको छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। चाहे वो काली खांसी क्यों ना आती इस मसीह के नाम से, निमोनिया हो जाती इस मसीह के नाम से, घबराहट होती है, उलझन होती है, इसलिए घबराहट होती है कि मुझे जीवन में क्या करना है, मेरे पास जीवन में क्या करूँगा, अपने बच्चों के लिए क्या करूँगा, अपने घर के लिए क्या करूँगा, अपने परिवार के लिए क्या करूँगा, मेरे पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष करने जा रहा, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा, हर एक चीज़ों को परमेश्वर आपको पूरा करेगा इस मसीह के नाम से। आचार के जीवन की जीवन की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रही, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, आज उनकी उलझन को पिता परमेश्वर हटा दे पिता परमेश्वर। उनके पास गठिया का रोग हो चुका है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग हो चुका है पिता परमेश्वर, फिजिकल प्रॉब्लम आ चुकी है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग हो चुका है पिता परमेश्वर, मानसिक बीमारी हो चुकी है इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के दर्द से उनको दूर कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप तो पवित्र है परमेश्वर, आप तो धन्य है पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते, चंगाई के लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। आज उनको छू मेरे परमेश्वर, प्रार्थना को रिसीव करिए परमेश्वर। अब हालेलुया धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस पावरफुल प्रार्थना के द्वारा पिता इनके जीवन को प्लेस कर पिता परमेश्वर, ये अपनी गवाही दे पिता परमेश्वर। नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता। उनके जीवन में पिता परमेश्वर प्लेस कर, उनको आशीष कर जो तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और उनका मन लगे और पढ़ें और लिखें और प्रार्थना करें और विनती करें, आपके वचन को सीखें पिता परमेश्वर। उनके जीवन की जरूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए, उनके कर्जे के लिए पिता परमेश्वर, हर प्रकार के श्राप के लिए, हर प्रकार के बंधन यीशु मसीह के नाम से तोड़ पिता परमेश्वर। आज उनको छू पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो किसी प्रकार के हो, चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना उनके पास बंधन यीशु मसीह के नाम से, कर्जे का बंधन है पिता परमेश्वर। वो कर्जा भरना चाहते हैं लेकिन उनके जीवन में किसी प्रकार से पैसे नहीं बन पाता यीशु मसीह के नाम से, उनको छू पिता परमेश्वर। उसके लिए नया रास्ता निकाल पिता परमेश्वर, एक नया मार्ग रास्ता निकाल पिता परमेश्वर, उसके जीवन को पिता परमेश्वर छू। जिनके पैसे फंसे पड़े इस मसीह के नाम से, आज उनके जीवन की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। विश्वास के द्वारा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए परमेश्वर आपके जीवन भरोसा से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो कर्ज से दबे हुए हैं पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, चाहे मेरे भाई हो, मेरे बहन हो, कोई भी इस मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार का कर्जा आपका खत्म होने जा रहा है। हर प्रकार का कर्ज से आप जो दबे हैं, आप परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, प्रार्थना
रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की हर जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु आपके जीवन में जो दुख है पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से प्रभु आपके जीवन के जो दुख आ चुका है उसको खत्म करने जा रहा है। इस मसीह के नाम से इस प्रार्थना को रिसीव करिए। दुख में जो आप पड़े इस समय, आपके जीवन में दुख है, मुसीबत है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियां के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर। आज जो वचन हमने इस्तेमाल किए पिता, आपने बहुत कुछ सिखाया, आपने बहुत कुछ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर एक जरूरतों को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, इस मसीह के नाम से। आज इनकी जरूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर, ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हों पिता परमेश्वर। आज के बाद ये पिता परमेश्वर हमेशा ये प्रार्थना करें, विनती करें पिता परमेश्वर, इनके जीवन की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। ये बहुत इस समय रोते हैं पिता परमेश्वर, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, इस मसीह के नाम से आज सब कुछ देने जा रहा है पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार के बंधन टूटेंगे, हर प्रकार के श्राप टूटेंगे, हर प्रकार की बुराइयां जाएंगे आपसे जीवन के, इस मसीह के नाम से। आज आपके बिजनेस खड़े होंगे जो इस समय बंद पड़े, इस मसीह के नाम से, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप नौकरी, जॉब, घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभालने के लिए दुआ करते हैं इस मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, इनके देख रेख कर पिता परमेश्वर, इनको संभाल पिता परमेश्वर, ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास रखते हैं पिता आपके वचन पर पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करें इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इस मसीह के नाम से जय, इस मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां जाए, इस मसीह के नाम से हर प्रकार की रोगाड़ जाए, इस मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इस मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, आज्ञा देते हैं इस मसीह के नाम से, आज्ञा देते हैं इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्या जाए, इनके जीवन को समझ दे पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इनको आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।